नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में लोशु ग्रिड को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोशु ग्रिड को समझ गए तो समझ जाइएगा कि 99% न्यूमरोलॉजी या फिर जो दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं उनको सॉल्व करने में आप अपने आप सक्षम हो सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 1 से लेकर 9 सारे के सारे नंबरों के बारे में, उनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो शो करते हैं, लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं, कितने प्लेन होते हैं और कैसे लोशु ग्रिड का यूज़ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। अगर आप लोशु ग्रिड को ध्यान से देखें, ये एक लोशु ग्रिड है, ये अलग अलग फॉर्मेट में लिखी हुई है पर चीज़ एक ही है। तो आप अगर इन नंबरों का सम करें, किसी भी लाइन में ले लें, तो इनका सम आता है 15। चाहे मैं ऐसे लूं, चाहे मैं ऐसे लूं, या फिर अगर मैं क्रॉस में भी लेता हूं, तो भी ये सम आता है हमेशा 15। तो लोशु ग्रिड की पहली खासियत है इसका सम 15। अब इसमें 1 से लेकर 9 नंबर तक हम भरते हैं, नंबर 0 को कहीं पर भी भरा नहीं जाता। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 0 आ रहा है तो वो यहाँ पर नहीं भरा जाता। हर एक नंबर एक ग्रह को दिखाता है और उस ग्रह की ताकत वो हमारे जीवन में देता है। एक एक नंबर से शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नंबर हमको अपने जीवन में क्या देता है। तो सबसे पहले आता है नंबर 1। नंबर 1 किसका माना जाता है? नंबर 1 माना जाता है सन का, सूर्य का नंबर माना गया है नंबर 1। अब आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो हेड ऑफ सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा जो माना गया है वो सूर्य को माना गया है और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो भी सूर्य है। अब अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है, लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं ये थोड़ी देर में देख लेंगे, तो आपको अपने जीवन में अथॉरिटी, ये जो ताकत है, ये आपको अपने जीवन में चाहिए रहती है। सूर्य देता है आपको जीवन के अंदर अथॉरिटी। सूर्य कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट है और ये दिखाता है आपका किसी भी काम के लिए आपका जो डेडिकेशन है और एनर्जी लेवल है, ये दिखाता है आपका नंबर 1। और कहीं ना कहीं सूर्य आपके करियर को कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 किसका माना जाता है? मून का, चंद्रमा का। जैसे सूर्य राजा है वैसे चंद्रमा को माना जाता है क्वीन ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जो हमारे ऊपर रिफ्लेक्ट करती है सन की लाइट को। चंद्रमा क्या करता है? ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब सूर्य करता है क्या? बाहरी चीज़ों को कंट्रोल, जो आपको करनी है, और चंद्रमा क्वीन की तरह जो आपके जो लोकल चीज़ें हैं, जो लोकल अथॉरिटी है, उसको कंप्लीट करता है चंद्रमा। अब चंद्रमा को आप अपनी मदर से भी कंपेयर कर सकते हैं कि चंद्रमा क्या, जैसे मदर आपके घर का अंदर की सब चीज़ों का ध्यान रखती है, वैसे ही मून आपके जीवन में आपके आंतरिक चीज़ों का, आंतरिक भावनाओं का ध्यान रखता है और सूर्य पिता की तरह बाहरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है? चंद्रमा आपकी इंट्यूशन पावर को दिखाता है, आपके अंतर्ज्ञान को दिखाता है। आपका जो कई बार मूड स्विंग होता है, मूड में परिवर्तन होता है, वो सब किसकी वजह से होता है? चंद्रमा की वजह से होता है। और अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है तो आप ध्यान रखिएगा कि आप देने वाले हैं, आप लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, लोगों की हेल्प करना आपको अच्छा लगता है। अब आता है इसके बाद नंबर 3। नंबर 3 माना जाता है आपका जुपिटर का, बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का। इससे क्या कंट्रोल हो रहा है? इससे कंट्रोल होता है जैसे हमारे जो पिता के साथ रिश्ते हैं, जो हमारे गुरु के साथ रिश्ते हैं, ये सब कंट्रोल करने वाला है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? एक एडवाइज़र है, आपको सलाह देता है और
ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर जिसने समाई हुई है वो है जुपिटर बृहस्पति। ये आपको नई नई चीज़ें सिखाता है और आप जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो लोगों के साथ, अपनी नॉलेज जो है वो लोगों के साथ शेयर करते हो बिकॉज ऑफ नंबर 3। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को, जो आपका साथ भगवान के साथ जो रिश्ते हैं उसको भी बढ़ाता है। इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो है नंबर 4। किसका नंबर है? राहु का नंबर है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 आता है तो आपको उसको ब्लैंक लोशु ग्रिड में इस जगह पे भरना होता है। राहु को माना गया है आपका अपर बॉडी पार्ट, यानी गर्दन से ऊपर का हिस्सा। ये क्या देता है आपको? एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइंड देता है, पावरफुल ब्रेन देने का काम कौन करेगा आपको? राहु करेगा। आपकी जो सोच है उसको जो भी लॉजिकल बनाता है वो बनाता है राहु। अगर राहु अच्छा नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि आपकी सोच कहीं ना कहीं से बिगड़ जाएगी। जिन लोगों का जो भाग्यांक है वो नंबर 4 है, ऐसा माना जाता है कि वो लोग कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब क्योंकि राहु क्या करता है, केवल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी को नहीं करता है, केवल माइंड को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार क्या दिक्कत होगी कि ये लोग क्या करेंगे, ओवरथिंकिंग करने लगेंगे। और ओवरथिंकिंग अगर करते हैं तो डिस्टरबेंस होगा, क्या दिमाग में होगा, सोने की दिक्कत इनको आ सकती है, नींद नींद में दिक्कत आने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है नंबर 5। नंबर 5 किसका है? मरकरी का है, बुध का है, जिसको कहा जाता है प्रिंस, राजकुमार। ठीक है, किसका राजकुमार? ग्रहों का राजकुमार, क्योंकि इसको नंबर 5 को सारे के सारे नंबर जितने भी हैं ये सब अपनी ब्लेसिंग देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो सारे नंबर्स के साथ फ्रेंडली माना जाता है। अगर नंबर 5 आपका भाग्यांक है तो आप बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है अपनी फैमिली के साथ, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में माहिर हैं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैलेंस ऑफ लाइफ ये दिखाता है नंबर 5 बुध। बुध सेंट्रल प्लेस पे है, बीच में है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे लोग पब्लिक में भी बड़े साहस के साथ बोलने में सक्षम होते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है नंबर 6। नंबर 6 किसका है? शुक्र का, वीनस का, राक्षसों के गुरुदेव का। ठीक है, तो इसको माना गया है गुरु ऑफ इवल प्लेनेट, पर क्योंकि ये गुरु है तो ये हमेशा क्या करेगा, आपको राइट पाथ, सही रास्ता दिखाने का काम करता है। कौन? शुक्र। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपको एंटरटेनमेंट और लग्जरी लाइफ में देने वाला जो ग्रह है वो है बुध। बहुत अच्छी सलाह भी देता है। जिस आदमी का शुक्र अच्छा है वो आदमी दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देता है, उसको बहुत अच्छा प्यार अपने पार्टनर से मिलता है। अब इसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 किसका है? केतु का नंबर माना जाता है, फिर से एक शैडो प्लेनेट है और लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब केतु के पास आईज नहीं है क्योंकि हेड से नीचे का पार्ट है, और जिस आदमी के पास आईज नहीं होती भगवान उसको कुछ अलग सी चीज़ को एक अलग विशेषता दे देता है, और ये विशेषता है इनका सिक्स सेंस। जिस आदमी का केतु अच्छा है उस आदमी का सिक्स सेंस जो होगा वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, बिल्कुल जमीन में रहेंगे, जमीन से जुड़े हुए लोग, और सिचुएशन कितनी भी टफ आ जाए ध्यान रखिएगा ये लोग कभी भी अपना कूल नहीं छोड़ते। नंबर 7 अगर ध्यान हो तो धोनी की जो पहनता है वो जैकेट पहनता है उसका नंबर भी 7 है, कैप्टन कूल।
अब इसके बाद अगला नंबर आता है नंबर एट। नंबर एट किसका है? नंबर एट माना जाता है सैटर्न, शनि का नंबर माना जाता है। स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे स्लो मूव करने वाला प्लैनेट है शनि। और अगर आपके पास आपका भाग्यांक जो है नंबर आठ है, तो ध्यान रखिएगा कि आपकी ग्रोथ बहुत हल्की होगी, क्योंकि शनि बहुत हल्का मूव करता है। जीवन में स्ट्रगल आएंगे, पर शनि माना जाता है किस चीज़ के लिए, कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट भी कौन देगा? शनि देगा। ठीक है, तो जिसके पास भी नंबर आठ है उनको अपने एक्शंस का रिजल्ट मिलता है। शनि जो है वो लॉ रेगुलेशंस के लिए भी माना जाता है, लॉज के लिए एंड रेगुलेशंस के लिए। इसके लिए बहुत इथिकल ग्रह है, हमेशा सत्य और न्याय, ये शनि के परम वर्ड्स हैं। अब इसके बाद लास्ट नंबर जो न्यूमरोलॉजी में आता है वो आता है नंबर नाइन। किसका नंबर है? मंगल का नंबर है, ग्रहों का सेनापति माना जाता है। अगर आपका नंबर नाइन स्ट्रांग है तो अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ बहुत अच्छा होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बहुत अर्ली एज में ही हो सकता है आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगें। आपका जो एटीट्यूड होता है वो एक फाइटर का होता है, ठीक है, कि झगड़ा करेंगे, जो भी करेंगे अपना काम करवा के रहेंगे। बहुत ही एग्रेसिव आपका नेचर होता है, काम करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और यही आपकी ग्रोथ का कारण बनता है। ये तो थे वो नौ नंबर जो न्यूमरोलॉजी में नौ ग्रहों से रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है, एक नंबर सूर्य से नौ नंबर मंगल तक। अब कहानी ये आती है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में इन नंबरों को ढूंढेंगे कैसे। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1963। अब तीन छोटे छोटे से स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जितने भी इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर हैं वो सब लिख लीजिए। नंबर थे 571963, आपने क्या किया, ये सब नंबर इस ग्रिड में भर दिए, 5, 7, 1, 9, 6 और 3। ध्यान रखिएगा 5 नंबर इसी पोजीशन पर रखा गया है, 6 नंबर इसी पोजीशन पर रखा गया है। आपको स्टैंडर्ड ग्रिड के हिसाब से इन नंबरों को अपने लिए ग्रिड में भरना है। ये हुआ पहला स्टेप। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम निकालते हैं आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। अगर आप किसी भी महीने की 1 से लेकर 9 तारीख के बीच में पैदा हुए, जैसे ये व्यक्ति 5 तारीख को पैदा हुआ, तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख हो जाएगी। जैसे 5 तारीख सिंगल डिजिट वाले दिन पैदा हुआ तो मूलांक हो गया 5। पर अगर यही व्यक्ति 10 से लेकर 31 के बीच में कभी भी पैदा होता तो हमको सिंगल डिजिट में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम क्या लेते हैं, सिंगल डिजिट लेते हैं। अब अगर 31 को पैदा होता सिंगल डिजिट में कैसे चेंज करते, 3+1=4। 10 को पैदा होता तो क्या करते, 1+0=1। अगर 14 को पैदा होता तो 1+4=5। और ऐसे करके आप अपना मूलांक या ड्राइवर नंबर निकाल सकते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप में आपका भाग्यांक निकालना। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो भी नंबर आए सबको ऐड कर दीजिए, और जैसे यहाँ पर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया था वैसे ही कन्वर्ट कर दीजिए। हमने फर्स्ट स्टेप के नंबरों को ऐड किया, ऐड करके आया 31, डबल डिजिट नंबर था, सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए 3+1=4 कर दिया। तो ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिजिट के नंबर हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये नंबर आपकी ग्रिड में भरे जाते हैं, ये न्यूमरोलॉजी के आपके नंबर हैं जो आपकी लाइफ को, आपके लाइफ के पाथ को डिसाइड करते हैं। अलग अलग नंबर अलग अलग चीज़ें दिखाता है। ग्रिडों में नॉर्मली दिक्कतें क्या आती हैं कि या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग होगा,
या रिपीट मार रहा होगा। इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर कोई नंबर मिसिंग आ रहा है या रिपीट कर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या रेमेडी आपको करनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन से ये जो हमने निकाली है हम अपने लाइफ के बारे में क्या क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, लोशु ग्रिड में 8 प्लेन्स होते हैं। कौन से प्लेन होते हैं? 3 होते हैं वर्टिकल प्लेन, 1, 2 और ये 3, और 3 होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, 1, 2 और 3। जो बाकी के 2 प्लेन हैं वो अगली स्लाइड में बता दूंगा आपको। तो जो वर्टिकल प्लेन है वो है आपके थॉट प्लेन, विल प्लेन और एक्शन प्लेन। 4, 3, 8 थॉट प्लेन, 9, 5, 1 विल प्लेन, 2, 7, 6 एक्शन प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में आऊं तो 4, 9, 2 माइंड प्लेन, 3, 5, 7 सोल प्लेन और 8, 1, 6 प्रैक्टिकल प्लेन, या इसको कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी कहते हैं। अब आप अगर इस ग्रिड को देखो जो हमने इस डेट ऑफ बर्थ के लिए बनाई है, तो यहाँ पर इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में से मेरे को केवल एक ये प्लेन बनता हुआ दिख रहा है। ये दो प्लेन में, इन दो प्लेनों में दिक्कत आ रही है, थोड़े से मिसिंग हैं। तो ये प्लेन आपको बताते क्या हैं, दिखाते क्या हैं, उसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम किस पे? माइंड प्लेन पे। माइंड प्लेन क्या है? 4, 9, 2 4 नंबर किसका है? राहु का है। राहु क्या है? एक शैडो प्लैनेट है, बॉडी का ऊपर का पार्ट दिखाता है, आपको थॉट देता है, कांस्टेंट आइडियाज देता है। ठीक है, और इंडियन मैथोलॉजी में ऐसा माना गया है कि राहु की बॉडी नहीं है, उसका केवल हेड ही हेड है, केवल सरीसर है। तो राहु एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, ये केवल आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम या फिर घटाने का काम राहु करता है। अगर राहु अच्छा है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, अगर राहु खराब है तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगा। ये तो किया राहु ने। अब आ जाओ नंबर 9, ये है क्या? मंगल, मार्स, प्लैनेट ऑफ एनर्जी एंड एग्रेशन, सन ऑफ अर्थ। तो जो भी एनर्जी आपके दिमाग से स्टार्ट हुई, नंबर 4 ने जो भी आपको सोच दी, उसको एक्शन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? वो करेगा मंगल। मंगल क्या करता है? आपसे मेहनत करवाता है, आपकी थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करेगा मंगल। और इसके बाद आता है नंबर 2, मून या फिर चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? हर आदमी की थॉट को कंट्रोल करने का काम चंद्रमा करता है। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपको देता है एक इंट्यूशन पावर, एक अंतर्ज्ञान जो होता है देता है। वाटर एलिमेंट चंद्रमा को माना जाता है, और ऐसा माना जाता है ह्यूमन बॉडी जो है 70% वाटर की बनी हुई है। तो आपकी बॉडी पे चंद्रमा का क्या इफेक्ट है ये आप सोच सकते हो। सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करने वाला प्लैनेट भी कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान की थॉट्स बहुत फास्ट मूव करती हैं। तो ये तीनों मिलके, कहीं ना कहीं मिलके आपका मेंटल प्लेन बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इस प्लेन को क्या कहा गया है? माइंड प्लेन कहा गया है। अब इसके बाद किस पे आ जाते हैं? सोल प्लेन पे, या फिर इसी प्लेन को हम कहते हैं इमोशनल प्लेन भी कहते हैं। किन नंबरों से मिलके बना है? सबसे पहले आया नंबर 3 आया। नंबर 3 बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर, और सबसे एल्डेस्ट फैमिली मेंबर है। यहाँ पर इमोशंस का मतलब ये नहीं है कि आप कितने सेंसिटिव हैं। इमोशंस का मतलब है कि आपकी किसी भी चीज़ के प्रति अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। ये कौन डिसाइड करता है? मार्स डिसाइड करता है। आपके लाइफ में इथिक्स और वैल्यूज देने वाला है मार्स। ठीक है, इसका एलिमेंट क्या है? वुड है।
वुड एलिमेंट मार्स इसका अपना गुरु का माना जाता है, जुपिटर का माना जाता है। और आप जानते हैं कि वुड कितनी स्ट्रांग होती है, कितनी रिलायबल होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मिलेगी वो लेने वाले होंगे और दूसरे की नीड को, चाहे परिवार हो चाहे सराउंडिंग हो, उसको पूरा कौन करता है? नंबर 3 करता है, जुपिटर करता है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो नंबर आता है नंबर 5, सेंटर में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, जिसको हम मानते हैं कौन सा? मरकरी, बुध, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, अब क्योंकि ये यंगेस्ट है तो इसकी कुछ अपनी डिमांड है, और ये जो भी अपने चारों ओर रहते हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है बिकॉज ऑफ इट्स कम्युनिकेशन स्किल, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। मरकरी का जो एलिमेंट है वो माना जाता है वाटर को, और जैसे पानी कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, नंबर 5 जो है वो किसी भी नंबर के साथ एडजस्ट करने का नेचर रखता है, हर एक के साथ कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है और चेंजेस को स्वीकार करता है। अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो गुस्सा है, जो एंगर है, क्रोध है, वो कम होगा और ये नंबर लाइफ को स्टेबिलिटी देने वाला नंबर माना जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर जो इस प्लेन का आता है वो आता है नंबर 7। किसका नंबर है? केतु का नंबर है, शेडो प्लैनेट है, और ऐसा माना गया है कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है। अब पहले भी मैंने आपको कहा था, जिस आदमी के पास सोच नहीं होगी, दिमाग नहीं होगा, भगवान उसे कुछ ना कुछ अच्छा देगा, और भगवान इन लोगों को सिक्स सेंस बहुत अच्छा देता है। ये किसी भी चीज़ को दूसरों से अच्छा फील कर सकते हैं, और दुनिया भर के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है, उसको जानने में ये लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसका एलिमेंट है अर्थ, केतु का, तो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, और इसलिए ये सबके साथ सबका इनको सपोर्ट मिलता है, और इसीलिए इन तीन के कॉम्बिनेशन के चक्कर में इसको सोल प्लेन या इमोशनल प्लेन कहा जाता है। अब तीसरा आता है प्रैक्टिकल प्लेन या प्रॉस्पेरिटी प्लेन, जो बनाता है 816। नंबर 8 किसका है? नंबर 8 है आपका सैटर्न, शनि का, गॉड ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये क्या देता है? आप जो भी एक्शन करोगे उसका रिजल्ट देने वाला कौन है? सैटर्न है, शनि है, स्लो स्पीड पे मूव करता है पर आपको रिजल्ट देगा। इसका एलिमेंट है एयर, बिल्कुल हवा की तरह जो शनि है उसकी एग्जिस्टेंस चारों ओर है। आप स्वीकार नहीं, ये नहीं कह सकते कि शनि नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आपने ये कहा कि शनि नहीं है और शनि आप पे भारी पड़ गया, तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो राजा को रंक बना देता है। इसके बाद आता है नंबर 1 जो है सूर्य का, सोलर सिस्टम का सेंटर, अपनी अथॉरिटी, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। एलिमेंट ऑफ फायर है इसके अंदर, सोर्स ऑफ एनर्जी देता है कोई भी काम करने की, इसीलिए प्रॉस्पेरिटी प्लेन है। आपको 8 नंबर क्या देगा? अच्छे काम करोगे फल देगा। नंबर 1 क्या करेगा? एक अथॉरिटी देगा, ताकत देगा। नंबर 6 वीनस, शुक्र क्या करता है? गुरु ऑफ इविल्स, राक्षसों का राजा, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हो, उस अपॉर्चुनिटी को धारण करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती है। नंबर 6 क्या करता है? आपके रिलेशंस, आपके नेबर्स के साथ, आपके पार्टनर्स के साथ अच्छे करता है। ये करता है आपका 816 का प्रैक्टिकल प्लेन। अब आ जाए अगर हम वर्टिकल प्लेन्स पे, 1, 2, 3 जो ये हैं, तो सबसे पहले आता है थॉट प्लेन। थॉट प्लेन में क्या आ रहा है? नंबर 4 राहु, जो दे रहा है आपको लॉजिकल ब्रेन। नंबर 3 जो दे रहा है आपको स्पिरिचुअल ब्रेन, गुरु। और नंबर 8 जो भी आप एक्शन ले रहे हो उसका रिजल्ट ये कौन देता है? शनि देता है। तो ये तीन चीजें मिलके आपको कंप्लीट करती हैं, और जो भी आप करने वाले होते हो वो करने से पहले सोचते हो कि क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं।
तो ये काम करवाता है आपका थॉट प्लेन। इसके बाद जो अगला प्लेन आता है वो आता है आपका विल प्लेन, नंबर 951। 9 और 1 जो है मंगल और सूर्य, ध्यान रखिएगा ये दोनों तो फायर के एलिमेंट हैं, ठीक है। और नंबर 5 है वाटर एलिमेंट, पानी। तो वाटर आपकी लाइफ में देगा बैलेंस और फायर देगी आपको एनर्जी। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस और एनर्जी है तो ध्यान रखिएगा कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस बन जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा प्लेन आता है वो आता है एक्शन प्लेन। एक्शन प्लेन कौन सा है? 2, 7 और 6। नंबर 2 मून, पानी, वाटर वाला एलिमेंट जो कंट्रोल करता है आपके इमोशंस विद थॉट। केतु क्या है? अर्थ एलिमेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल बनाता है, ट्रस्टवर्दी बनाता है, लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं। और वीनस शुक्र क्या करेगा कि वो कहेगा कि आप अपने जो रास्ता आपने ले सही चुना है उस पर चलो, दूसरों पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, एक्शन लो। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या आपका एक्शन प्लेन। अब इसके बाद 2 प्लेन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रह जाते हैं यहाँ पर लोशु ग्रिड में, उनमें से एक को कहा जाता है 4, 5, 6 गोल्डन सक्सेस प्लेन, या कुछ लोग इसको गोल्डन राजयोग भी कहते हैं। नंबर 4 आपको लॉजिकल माइंड और क्यूरियोसिटी दे रहा है। नंबर 5 आपके जीवन में स्टेबिलिटी, बैलेंस और गुड हेल्थ लेके आ रहा है। और नंबर 6 क्या कर रहा है? ये आपको हार्डवर्क करवा रहा है, मनी मैग्नेट बना रहा है, फेम दे रहा है। और ये तीनों चीज़ें अगर एक लॉजिकल ब्रेन, स्टेबिलिटी, गुड लाइफ, हेल्थ और हार्डवर्क, पैसा, फेम, ये सब मिल जाए तो इन सब के मिलने को ही हम कहते हैं गोल्डन राजयोग, जो आपको देगा हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। 4, 5, 6 हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और इसके बाद जो अगला आता है वो आता है सिल्वर राजयोग, या फिर इसको कहते हैं सिल्वर सक्सेस प्लेन। कौन बनाता है ये? नंबर 2, 5 और 8 जैसे पहले भी बताया। नंबर 2 किसका है? चंद्रमा का, क्वीन, जो क्या कर रही है? आपकी जितनी भी लोकल अथॉरिटी, जितने भी लोकल डिसीजंस हैं वो लेने की पावर, इसके अपने एरिया के अंदर जो लेने की पावर है वो इसके पास है। नंबर 5 कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर 2 और 5 इन दोनों का जो एलिमेंट है वो क्या है? आपका वाटर है, जो क्या दिखाता है? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है कि जिस सिचुएशन में भी डालोगे पानी को, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया उसी के जैसा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। नंबर 8 क्या करवाता है? आपको एक्शन, हार्ड वर्क में बिलीव करना, ये नंबर 8 शनि सिखाता है। एयर एलिमेंट क्या है? एयर है, जिसका अपना एक स्पेस है, हर जगह पे होगा, ठीक है। तो जिसके पास भी ये 3 नंबर आ गए, नंबर 2, 5 और 8, ठीक है, उसके पास आ जाएगा सिल्वर सक्सेस लाइन। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा ना मिले, ये संभव है कि गरीब पैदा हों, पर ये संभव नहीं है कि गरीब मर जाएं। ये हमेशा बहुत अच्छा अपने लिए किस्मत लेके आते हैं, पर किसके दम पे? अपने हार्ड वर्क के दम पर। नंबर 8 सैटर्न, ठीक है, सैटर्न आपसे मेहनत करवाएगा, हार्ड वर्क करवाएगा, रिजल्ट आराम से देता है पर रिजल्ट पक्का देता है। तो ये तो थी लोशु ग्रिड की वो बेसिक बातें जो आप सबको जाननी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।